हेलो भाई जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरप्रीत सिंह फतेह 48-65। आज आपको दिखाते हैं नेपाल को जो रास्ता जाता है, किस साइड से जाता है, कहां से जाता है। ये सामने आगे आ रहा है पुल, उस पुल के ऊपर देखो गाड़ियां भी लगी हुई है काफी, अपने ट्राले वगैरह जाते हैं जो नेपाल को। ये आ गया पुल, इसके ऊपर के ऊपर से जाती है गाड़ी बनी। ये देख सकते हो आप, लगी हुई है गाड़ियां ऊपर, गोरे कंटेनर टेलर वगैरह लगे हुए हैं, कलंकर वगैरह लोड किया होता है। यहाँ से आधा किलोमीटर सारा नेपाल, 500-600 मीटर होगा सारा नेपाल आया था आगे। ये पुल है भाई, ये देखो खड़ी हैं गाड़ियाँ ऊपर, सामने देखो सारी गाड़ी नेपाल जा रही है। और ये पानी टैंकी है, पहले हम बताते हैं कहाँ से जाते थे, किस साइड से रास्ता होता था, वो दिखाते हैं आपको। यहाँ से होता था पहले रास्ता, दिखाते हैं आपको इस साइड से। इस साइड से जाते, जहाँ से जाते थे पंसार वगैरह कटवाते थे हम, पंसार कटवा के इस गली से जाते थे भाई, क्योंकि इधर से जाम भी बहुत लगता था। ऑटो वगैरह भी है, बाजार भी बहुत बढ़िया, बड़ा बाजार है यहाँ पे, बाजार लगता है। ये है भाई नेपाल को रास्ता दिखाया आपको मैंने। चलो भाई, मौसम कितना बढ़िया हो गया, यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया मौसम, मज़ेदार मौसम हो गया भाई। इतनी गर्मी थी यहाँ पे, क्या बताएं आपको। लेकिन अब चलो, लोडिंग तो है हमारी अररिया से, लेकिन मौसम बढ़िया हो गया, लोडिंग चाहे कल हो जाए कोई दिक्कत नहीं। गर्मी से तो राहत मिली थोड़ी, बहुत ही बढ़िया मौसम है भाई, बहुत ही बढ़िया मौसम। ये हमारा बुका चुके हैं अंदर गांव में लोडिंग करने के लिए। मक्का देखो कैसे लोगों ने रोड़ों पे ही, ये भी मक्का देखो लोगों ने कैसे रोड़ों में खिला रहा हुआ है। बंदा क्या करेगा बताओ, मक्के में से निकलेगी नहीं गाड़ी, फिर ये बोलेंगे मक्का खराब कर दिया भाई। अब क्या करे आदमी, देखो ईटे फेंकी हुई है साइड में, कहाँ से निकालेगा गाड़ी आदमी। मक्का के ऊपर टायर तो आएंगे ही, और लकड़ियाँ लगा दी हुई हैं भाई, क्या यार। अभी टायर तो हल्का फुल्का आएगा ही, नीचे कोई थोड़ी खड्डे में थोड़ी फेंक देगा गाड़ी। ये देखो रोड़ों के ऊपर ही पूरा कब्जा कर लिया हुआ है उन्होंने, रोड़ों के ऊपर ही। उनको पता बड़ी गाड़ी कोई आती नहीं है इस साइड में, तो इसीलिए। ये गांव है भाई, बिहार के गांव, बच के बाबूजी बच के, इधर गोबर भी है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए अपनी साड़ो, ये गांव है भाई बिहार के। बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि पुराना जो जो अपना 2000 तक, 2005-6 तक बढ़िया गांव ही था सारा, तो वही जब गांव में से निकलो, जब मतलब अभी भी गांव है यहाँ पे, बहुत पुराने गांव हैं। हमारा तो जम्मू कश्मीर बहुत आगे हो चुका है अभी, लेकिन बिहार में तो अभी ये करेगा पीछे करेगा। बिहार में तो वो वैसा ही है जैसा हमारा 2090 में था, जम्मू पूरा वैसा ही है। देखो भाई ऐसा ही होता था पहले, भी चल रहे हैं। ये देखो गोबर कैसे पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, पहले यही चीज होती थी रोडों के ऊपर, गोबर लगाया होता था लोगों ने। ये देखो बकरियां, क्या क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। रोड तो वैसे बड़ी गाड़ी वाला है, लेकिन रोड को कवर कर लेते हैं। ये मूंगफली है, ये जो नीचे में है ना, ये मूंगफली है, और ये साथ में मक्का, मूंगफली मक्का दोनों। ये देखो कैसे बहुत जल्दी होती है इनको बाइक वालों को भाई, तौबा तौबा। ये आ गई नहर यहाँ की, गांव का नज़ारा ही कुछ और है भाई। बढ़ा के निकालनी पड़ेगी गाड़ी भाई साहब, देखना उधर अपनी साइड में, हाँ टायर देखना निकल गई है। ये नहर भाई, ये
देखो भाई, ये लग रहा है मेरे को मैं घूमना था तारू चक में आ गया हूँ। तारू चक उस साइड में जाओ ना, गैनसू तारू चक गोमना साहब वाली साइड में, उधर मिलते हैं ऐसे ऐसे खुली जगह जे पुल जाओ, फलाए मंडाल कुकड़े वाल उधर जाओ उस साइड में, ऐसे ही खेती है वहाँ पे। ऐसे यहाँ पे मक्का शक्का तरबूज वगैरह लगा हुआ, रोड भी ऐसे ही, या पता नहीं कहाँ लेके जाता है, कितना दूर लेके जाता है इसका पता नहीं। उधर कांटा है इस रास्ते में, कहाँ पे कांटा होगा भाई, इधर किसने कांटा लगवाया होगा। देखो भाई वाह क्या यार, यहाँ के लोग हैं, देखो भाई कैसे मक्का बीच में लगाया हुआ है, क्या करें यहाँ पे गाड़ी घुसाते हैं, हम क्या बोलें इनको, कहाँ लेके जाएं गाड़ी। देखो ये इधर पिंडा पिंडा गड्डी बढ़ा चढ़ते हैं, ना गड्डी मोड़ने की जगह होती है ना कुछ। देखा ये मार खाने वाले काम कराते हैं, मार ना मार खाने वाले काम करते हैं लोगों को। ये कितने बंदा मक्क और लेड़ी थी उन्हें, लोग भी के करे बंदा, इधर गड्डी तो निकलनी निकलनी है परू मक्क दे परू दे दे। हूँ बंदा के कर सकता दस इतने, ओए के कर सकता बताओ भाई क्या करें। ये देखा आगे बाइक वाला किधर आ रहा है, थोड़ा पीछे रोक जाओ थे, के करेगा बंदा जी, मक्क तो आनी आनी टायर हिला। ऊपर से बोलते चिल्लाते हैं ऊपर से, क्या करे बंदा बताओ, इनको खुद पता होना चाहिए पर कहाँ पे हम, वैसे क्या करें गरीब हैं जे भी, लेकिन क्या करें हम, मजबूरी इनकी भी समझते हैं हम, मकान कच्चे हैं, जगह आगे है नहीं तो कहाँ पे जे सुखाएंगे मक, इसीलिए रोड के ऊपर सुखाते हैं, कुछ लोग तो बाहर हाईवे पे सुखाते हैं। ये देख सकते हो बच्चे कैसे घूम रहे हैं, बढ़िया लगता है भाई गाँव में जब आओ ना, बहुत ही बढ़िया, लेकिन यहाँ के लोग कुछ बढ़िया नहीं लगते, क्योंकि बिना कसूर का गाड़ी वाले को भी हल्ला हुआ वो करने आ जाते हैं, बस गलती इनका भी होगा तब भी बोलेंगे गाड़ी वाले का गलती। मार्केट लगी हुई है, बाइक साइड करवाएंगे जाते हैं दलाल माल गाड़ी वाले को बोल के बाहर साइड कर यार, जब गाड़ी वाला तो चीज टूटेगा तो फिर गाड़ी वाले के पीछे हो जाते हैं हमारे लोग, भाई इसने तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो बंदा क्या करेगा बताओ। ये देखो गाड़ी वाले ने इसने भी कहाँ लगा दिया, ऐसे निकलेगी गाड़ी यहाँ से, देखिए बाहर यार अपने कहाँ पे फंसा देते हैं ये कसम से दलाल लोग, खुद आगे भाग जाते हैं गाड़ी वाले को, चलो भाई लेके आ जाओ गाड़ी, कहाँ लेके जाओ गाड़ी। ये देखो भाई करे भाई, देखो रास्ते गांव के जहाँ पे हमें जाना पड़ता भाई गाड़ी लेके, पूरी हालत है इन गाँव की, बहुत गरीबी है बिहार में भाई, बहुत ज़्यादा गरीबी है बिहार में, मक्का लगाया हुआ है वो भी रखने के लिए जगह नहीं है घर पे इनके पास, वो भी बाहर रोड पे लगाया होता है, रास्ता देख लो आप, बाकी पेड़ पौधे बहुत लगाए हुए हैं, तिरपाल देखना पैना क्या वेख बहुत थले थले ना। ये देखो रास्ता आगे यहाँ से देखना क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे गाड़ी वाले, ये नीचे नदी है और रास्ता देखो ये पूरा टूटा पड़ा हुआ है, बहुत आराम से गाड़ी निकालनी पड़ेगी, और हमने जाना लेफ्ट साइड में, लिफ्ट उठा लो भाई साहब फिर जाके मुड़ जाएगी, काटे अपनी साइड देखिए अपनी साइड तो यार गड्डी कट ला है
ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਠਾ ਨਾ ਕਰਾ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪੇ ਰੁਕਦੇ ਮਾਂ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਬਾਈ, ਔਰ ਜੇ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜਿਨਕਾ ਮੱਕਾ ਲੋਡ ਕੀਆ, ਬੋਲਦੇ ਬਈ ਬਿਲਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਬਹ, ਤੋ ਜੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਔਰ ਇਸਮੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਟਿਫਿਨ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ, ਟਿਫਿਨ ਹੋਏ ਟਿਫਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਅਭੀ ਕਿਆ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਿੰਡੀ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਭਿੰਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਬਾਈ, ਬੜੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਸਤ। ਔਰ ਰੋਟੀ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਹੈ ਕਿਆ ਜੇ ਚੀਨੀ ਸਾਥ ਮੈਂ ਚੀਨੀ, ਬੜੀਆ ਬਾਈ ਅਭੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਏਗਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਖਾਣੇ ਕਾ। ਤੋ ਚਲੋ ਅਭੀ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਬਿਲਟੀ ਬੁਲਟੀ ਸੁਬਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੇਖੇਂਗੇ ਮੱਕਾ ਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਭਿੰਡੀ ਦੀ, ਅਭੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਬਈਆ ਨੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਗਰਮ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਗਰਮੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਹੀਂ ਬੜੀਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ। 12 ਵਜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਮ ਸੁਬਹ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਭੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸਤਾ ਕੈਸਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਯੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਕਿਆ ਢੇਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਮੱਕਾ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰਾਸਤਾ। ਯਹਾਂ ਸੇ ਗਾੜੀਆਂ ਨਿਕਾਲੋ ਬਾਈ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਟੂਟਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਟਾਇਰ ਲੈ ਗਏ। ਚੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ, ਬੈਠਣਾ ਜਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ, ਐਸੇ ਰਾਸਤੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪੁਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਪਿੰਡ ਹੁਆ ਹੁਆ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗਾੜੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁਆ ਹੁਆ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗਾੜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ।